हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साई डेंटल ब्लॉग्स और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ। तो अक्सर ये कंप्लेंट्स आती हैं पेशेंट्स की मेरे पास कि सर, हमारा जो भी लीजन था, हम इस डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हैं और इस डॉक्टर से खा रहे हैं, हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हम दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो भी ओरल लीजन है, ओरल वाइट लीजन हो गया, OSMF हो गया, लिकोप्लेकिया हो गया, लाइकन पैनस हो गया, ये ठीक नहीं हो रहा है। बाय द वे, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिसने मेरा चैनल पहली बार स्विच ऑन किया है वो आप जान लें कि मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन पाती हूँ और मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ और मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन इन भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल। तो हम बात कर रहे हैं कि आज की ओरल लीजन्स कब ठीक होगा। हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता रहता है कि कब ये लीजन ठीक नहीं हो रहा है, हमने इतना मेडिसिन खा लिया, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो कि बहुत सिंपल है, आपको इजीली समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई भी पान मसाला, जो भी आप प्रोडक्ट्स खाते हैं जिसके वजह से हमारे मुंह में हमारे जितने भी व्हाइट स्पॉट्स, लाइकन पैनस, लिकोपेकिया, OSMF जो भी होता है, वो अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो इनिशियली हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, राइट? उसके हिसाब से हम काम करते हैं, जो भी डॉक्टर हमको एडवाइस करता है हम उस हिसाब से, उस ट्रैक में हम चलते हैं। जैसे कि किसी ने आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की तो हम मेडिसिन खाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड स्टेप क्या होता है कि आप मेडिसिन खा रहे हैं रेगुलर, लेकिन आपको इनिशियल 15-20 डेज में रिजल्ट नहीं आते हैं। अब कैसे रिजल्ट आएंगे, ऑलरेडी आप इतने सालों से पान मसाला गुटखा ये सब खा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लोगों को 5-6-7 ईयर्स तक लग जाते हैं टोटल लीजन हील होने में। लेकिन अब आप अगर बोलेंगे कि जादू हो जाए 6-7 महीने में ही या फिर 15 दिन में रिजल्ट्स आने लगे, बर्निंग कम होने लग जाए, तो वो तो कम हो जाती है। अगर हायर डोजेज ऑफ स्टीरॉयड दे देंगे तो कम हो जाए, लेकिन आप स्टीरॉयड के इफेक्ट्स तो जानते ही हैं कि स्टीरॉयड अगर हम ओवर यूज करते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि जो हमने अभी कोविड सिचुएशन हम देख रहे हैं, ओवर यूज ऑफ स्टीरॉयड्स की वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो रही है, उसकी वजह से स्टीरॉयड्स ऑफ एनी काइंड शुड बी अवॉइडेड इन द माउथ और इन द बॉडी ऑल्सो सिस्टमेटिकली, राइट? टैबलेट्स वगैरह हमको अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी चीज ये हो गई कि हमारे मन में जो फियर है उसको निकालना है, डर को, फियर ऑफ कैंसर जो हो गया। तो फियर ऑफ कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ रिकरेंस। जी हाँ, जो भी हमारे मुंह में लाइकनॉइड रिएक्शंस या फिर कोई भी हमारे मुंह के अंदर हमारा जो लाइकन प्लैनस है या फिर OSMF है, उसका जो मेन कारण है बर्निंग सेंसेशन का, वो तो एज अ डिजीज इटसेल्फ है ही, प्लस साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है पेशेंट को, उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन आ जाती है। ठीक है, अभी काफी स्टडीज की हुई हैं जिसमें वेरियस स्केल्स यूज किए गए हैं विद लाइक हैड स्केल, हैमिल्टन एंजाइटी डिप्रेशन स्केल, डैश स्केल, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनर। अगर आप ये सब क्वेश्चंस फिल करेंगे तो उसमें एक आदमी जिसको ये सब प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी उसमें एंजाइटी या फिर डिप्रेशन निकलेगा। मतलब ये क्वेश्चनर्स होते हैं जिसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 से 25, तो अगर आप उसमें टिक करेंगे तो आपको जो स्कोरिंग आएगी वो एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ ही दिखाएगी। तो उसका तो मेजर कॉज है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो कि आपको कम करना है। अब आप बार बार डॉक्टर्स जो सबसे बड़ी चीज गलती करते हैं पेशेंट कि डिफरेंट डॉक्टर्स को वेरी फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, एवरी 1 मंथ 15 डेज दे कीप ऑन चेंजिंग डॉक्टर्स, और उनका प्रेस्क्रिप्शन इतना मोटा हो जाता है फ्रॉम डिफरेंट हॉस्पिटल्स, डिफरेंट डॉक्टर्स। तो अगर आप डिफरेंट ट्रीटमेंट रिजीम फॉलो करते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट रिजीम नहीं होता है, एवरी डॉक्टर हैज हिज ओन ट्रीटमेंट रिजीम, उसका ओन प्रोटोकॉल है। अगर आप एक डॉक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो उसको 1 ईयर तक प्रॉपरली फॉलो करें, उसके बाद अगर आपको रिजल्ट ना आए उसके बाद आप हमेशा सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, इट्स ऑलवेज गुड। अगर आपने कोई एक चीज दिखाया आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप सेकेंड ओपिनियन जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड से फिर थर्ड, थर्ड से फिर फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे इतने सारे आप अगर डॉक्टर्स को दिखाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मिलेंगे। सबसे बड़ा चीज है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना होगा, लोगों के 3-4 लाख 5 लाख रुपए ऐसे ही चले जाते हैं डायग्नोसिस में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वहां रहने में, खाने में, होटल का खर्चा। तो इसकी वजह से ज्यादा डॉक्टर्स चेंज ना करें, एक अच्छा डॉक्टर ढूंढें, उनके ऊपर रिलाई करें और देन यू कैन टेक अ सेकेंड ओपिनियन, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेकेंड से फिर थर्ड और थर्ड से फोर्थ ना जाए, क्योंकि फिर आप क्या होगा इससे, अगर आप जितने डॉक्टर्स को दिखाएंगे तो आपने तो मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन के चलते और गलतियां करेंगे, कंफ्यूजन के चलते आप
जिस केसेस में बायोप्सी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उन केसेस में आप बोलोगे कि बायोप्सी कर दो, इंटेस्टाइनल बायोप्सी कर दो। फिर आजकल तो हॉस्पिटल्स, आपको पता ही है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो इसमें एडमिशन करना होता है, और एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए कोविड के बाद तो आप जानते ही हैं कितने लाखों का खर्चा होता है। एक और मैं एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं, अगर आपने नहीं करवाया है तो, कोई भी आपका जो अच्छा नोन आदमी है उससे करवाएं, क्योंकि अभी एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर हेल्थ के ऊपर। तो बात आते हैं कि हम जो फियर है हमारे मन में, सबसे पहले हमको निकालना है। और दूसरा जो टिप मैं आप लोग देना चाहूंगा कि बार बार डॉक्टर्स को ना चेंज करें, और आप नेचुरल फूड प्रोडक्ट से एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की कोशिश करें। मतलब कि कोई भी अगर आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसको ओवर कुक ना करें, रॉ वेजिटेबल्स खाने की कोशिश करें, ताकि उससे आपको फ्री जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से मिले। ऐसा नहीं कि आप कैप्सूल्स पे कैप्सूल्स खा जा रहे हैं। अब देखिए, आप अगर एसएम फाइबर खाते हैं या कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कोई भी एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीटार्ड हो गया, तो उसका एक महीने का खर्चा बैठता है, राइट। आप देखते हैं कि हमारा, आप एंटीऑक्सीडेंट अगर 10 डेज का ले रहे हैं तो उसमें आपका खर्चा अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, वन स्ट्रिप का अप्रोक्सीमेटली अगर आप पकड़ ले 150 रुपीज, तो आप महीने का पकड़ लीजिए कितना हो रहा है। आप दो तीन एंटीऑक्सीडेंट मिला के खाएंगे तो कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। और कोई भी टैबलेट आजकल कैप्सूल एंटीऑक्सीडेंट अच्छा होता है 30-40 रुपीज के नीचे नहीं आता। तो आप अननेसेसरी जब भी एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं वो आपके यूरिन में वेस्ट होकर जा रहा है। ओवर टेकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स भी ना करें, ओवर बिकोसिल्स लेना, जिंक सप्लीमेंट्स लेना, या फिर कोई भी मल्टी विटामिन ऑनलाइन मंगा के आप खुद से ना खाएं, क्योंकि वो आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। आपको डॉक्टर्स बताएं कि आपको ये डेफिशिएंसी है, आपको ये खाना है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है। अब लोग क्या करते हैं, खुद से इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं लाखों लाखों रुपए की, और बिना डॉक्टर को दिखाए खुद से गूगल से। अब हर गूगल का पॉइंट उसमें गलत रहता है। आप कोई भी अगर आप मान लीजिए, कोई भी आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ, मतलब अगर आप किसी फील्ड से हैं उसमें आप कोई भी चीज़ आप फैक्ट जानते हैं जो बुक में है, लेकिन गूगल में देखिएगा थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट है, चेंजेस है। तो खुद से और गूगल से इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, डॉक्टर के पास जाके इन्फॉर्मेशन लेके करेक्ट डायग्नोसिस कर जाए। मैक्सिमम केसेस फेलियर होते हैं बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट तो चलो दूर की बात है, लेकिन क्या हुआ है वो जानने के लिए ही लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो बेसिकली आपको सही हॉस्पिटल चूज करना है, सही डॉक्टर चूज करना है, सही मेडिसिन खानी है। और कब तक ठीक होगा ये लीजन, ये तभी ठीक होगा जब आप किसी एक को फॉलो करेंगे और सही तरीके से रूल्स को मानेंगे। अब लोग क्या होता है कि मेडिसिन खाने के बाद भी पान मसाला गुटखा ये सब खाने लगते हैं ठीक होने के बाद, फिर उनको होता है, देन दे टेल अ लाई कि सर हम तो नहीं खा रहे थे, फिर भी कैसे हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, इसी से आपको सक्सेस मिलेगा आपके ट्रीटमेंट में। और कितना साल यूजली ओएसएमएफ ठीक होने में, अगर आप स्टेजिंग पे भी डिपेंड करता है कौन से स्टेज में आपका ओएसएमएफ है। अगर इनिशियल स्टेजेस में है, इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स आपके है, तो फिर वो आपके बहुत जल्दी रिकवरी होती है विद इन 1 ईयर के अंदर। अगर आप ग्रेड 4 ओएसएमएफ है, मुंह बिल्कुल नहीं खुलता है, तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 20 दिन में मेरा मुंह खुल जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, या फिर उससे आपको मेडिसिन से कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों देना है फोर्थ स्टेज तक आने का, अलाउ ही क्यों करना है, उसके पहले ही उसको इंटरवीन करके आपको स्टॉप करना है, आपको हैबिट बंद करना है, राइट। एंड देर इज अ प्रिवेलेंस। अब ओएसएमएफ का जो कितना परसेंटेज है कैंसर में डेवलप होता है, लिकोप्लेक्स का कितना परसेंटेज कैंसर में डेवलप होता है, प्रोलिफेरेटिव वेरिकुलर लिकोप्लेक्स में कितना परसेंटेज, हर एक परसेंटेज अलग अलग है बीमारी होगा, लेकिन सारा जो है 1% से कम है, इतना आप जान लीजिए कैंसर में डेवलप होने का चांस, राइट। तो ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, काफी बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें हर एक बुक में लिया हुआ है। लाइकेन पाइलेज का कन्वर्जन रेट है 0.05%, 0.5 to 0.05, मतलब कितना कम टू डेवलप इनटू कैंसर। हालांकि कुछ कुछ मेडिसिन हैं, मैं एक पेशेंट को जानता हूँ, एक मेडिसिन आती है टैक्रोलिमस, टैक्रोस 4.03%, मैंने काफी लोगों को प्रेस्क्राइब भी किया होगा अपनी लाइफ कैरियर में, लेकिन ओवर यूज ऑफ दैट मेडिसिन मे कॉज कैंसर, तो ये आपको पता नहीं कि उसका मेडिसिन का दूसरा नाम है SK506। तो यूएसए ने एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग निकाली थी कि अगर आप टैक्रोलिमस या पिक्रोलिमस अगर ओवर यूज करेंगे, तो सपोज आप व्हाइट लीजन पे लगा रहे हैं, आप लगा ही जा रहे हैं, लगा ही जा रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोला है 15 दिन के लिए लगाना है, तो 15 दिन के लिए लगाना है, खुद से उसको रीबाई करके खुद से नहीं लगाना है। आपको खुद से लगाएंगे तो वो लाइकेन पाइनस कैन इटसेल्फ, द मेडिसिन इटसेल्फ कैन कॉज कैंसर, मतलब समझ रहे हैं आप एक क्रीम लगा रहे हैं वहां पर लाइकेन पाइनस था, और क्रीम कंटिन्यू लगा रहे तो लाइकेन पाइनस से कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो मेडिसिन, ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव होती हैं, मेडिसिन भी बहुत केयरफुली आपको यूज करना है, खुद से कुछ नहीं यूज करना है। तो दैट इज द ओनली मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ टुडे।
और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू फॉलो मी ऑन साई अंडरस्कोर डेंटल इन इंस्टाग्राम। मैं मैसेज करता हूँ, रिप्लाई सबको करता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट होता है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो इंस्टाग्राम में फॉलो करिए साई अंडरस्कोर डेंटल। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ वेरी ग्रेट डे।